मैं दर्शकों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हमारी जिंदगी आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत निर्भर है। अगर इंटरनेट गड़बड़ है तो चेहरा साफ नहीं आएगा, आवाज टूट के आएगी, और कितनी जगह से मैसेज आ गए कि नकवी साहब की आवाज पूरी नहीं सुनाई दे रही है, उनका चेहरा बोलता हुआ नहीं दिख रहा है, ये फ्रीज हो गया है। हम इसलिए क्षमा मांगते हैं, हालांकि गलती हम लोगों में से कम ही होती है, पर क्योंकि सारी दुनिया के लोग देख रहे थे, और अभी जब बीच में ये आधे घंटे का लगभग व्यवधान आया, इस व्यवधान में 200 फोन मेरे बज गए, नकवी साहब को आपने क्यों हटा दिया? मैंने कहा हमने हटाया नहीं, इंटरनेट की गड़बड़ हुई है। हम बातचीत शुरू करते हैं। नकवी साहब, आप हमको बता रहे थे कि भोपाल मध्य प्रदेश में भूकंप आया और राजेश बादल की रिपोर्ट आई। जी जी हाँ, वो घटना ये थी कि जबलपुर में भूकंप आया रात में, और हम लोग को सुबह पता लगा कि भूकंप आया। जबलपुर से कोई ऐसा साधन नहीं था कि बहुत जल्दी वो विजुअल मंगाया जाए, लेकिन वो राजेश बादल से बात हुई, उनको जबलपुर हम लोग ने टैक्सी से भेजा, वो गए, शूट किया उन्होंने, और वो फिर वहां से तुरंत ही वापस लौटे, और दूरदर्शन से शाम 7:30 बजे के आसपास उनका फीड आ गया। नॉर्मली दूरदर्शन से फीड आने का विंडो हम लोगों के पास 3 से 4 बजे का रहता था, 1 घंटे का, लेकिन उस दिन फिर जब ऐसा हुआ तो दूरदर्शन हम लोगों ने कहा सुना, और तो उनका एक जो शाम का बुलेटिन आता था, वो न्यूज बुलेटिन, वो जैसे ही खत्म हुआ वैसे उन्होंने हमको अपलिंक दे दिया, और वो जबलपुर भूकंप के अपलिंक के वीडियो के साथ हम लोग स्टोरी बना पाए। तो ये जो चीजें थी कि खबर दूरदर्शन पे है, दूरदर्शन के संसाधन है, उसके बावजूद खबर को हमारे पत्रकार कितनी जल्दी पकड़ते हैं, कितनी जल्दी उसके विजुअल लेके आते हैं, और वो उस जमाना था जब ये अपलिंकिंग सिर्फ दूरदर्शन के सैटेलाइट से होती थी। आज का जमाना नहीं है कि इंटरनेट है, आप अभी मोबाइल से शूट कीजिए, अभी भेज दीजिए। तब जिलों से जो वीडियो आते थे उनमें कई बार तो 3 3 दिन लगता था, स्ट्रिंगर वीडियो भेजता था, उसका वो ट्रेन पे गार्ड को देता था, 2 दिन बाद ट्रेन यहाँ पहुंचती थी, फिर गार्ड फोन करता था कि आपका टेप मेरे पास है, आप आके ले लो, ये चीजें होती थी। या स्ट्रिंगर फोन करते कि भाई फलां बस से या फलां ट्रेन से हमने ड्राइवर से या गार्ड से टेप भेजा है, आप जा रहे हैं, वो फिर एक आदमी भेजा जाता था रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, वहां से टेप लाता था, फिर देखा जाता था। ये वो जमाना था। उस जमाने में बेअंत सिंह की हत्या, जबलपुर का भूकंप, इस तरह की जो घटना है, या चरखी दादरी में जो विमान दुर्घटना हुई थी, इस तरह की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, उन बड़ी घटनाओं की जो कवरेज आज तक ने बहुत ही विस्तारी से, बहुत ही तेजी से की, तो ये जो तेजी थी जो एसपी सिंह ने दी हम हमारी टीम को, ये बाद में आज तक का चरित्र बन गई। और उसका जो स्लोगन था सबसे तेज, वो यूं ही नहीं था, वो सबसे तेज उनके पूरी टीम में, एडिटोरियल टीम में, चाहे वो रिपोर्टर हो चाहे आउटपुट डेस्क के लोग हो, सबके एक चरित्र का हिस्सा था कि हमसे हमें खबर सबसे पहले देनी है, सबसे अच्छी देनी है, और इसीलिए आज तक बन नहीं सका। तो कमर वहीद नकवी जी, अब हम आपके स्वतंत्र नेतृत्व के ऊपर बात करना चाहेंगे। जब आप आज तक के सर्वे सर्वा हुए, डायरेक्टर न्यूज हुए, आपके हाथ में पूरी कमान आ गई, आपने कैसे पत्रकारों का चयन किया, किस तरह के चरित्र वाले पत्रकारों का चयन किया, एक दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि खबरें जो आप चुनते थे, उन खबरों को आप राजनीतिक पक्षधरता से या राजनीतिक प्रचार से बचा पाए या नहीं बचा पाए? क्योंकि हम लोगों के ऊपर तो ये असर है कि आपने पूरा बचाने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं कि आपने सफल कोशिश की, कैसे कर पाए आप ये? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगा लोगों को कि शायद ही कोई राजनेता हो जिससे मेरी व्यक्तिगत तौर पे जान पहचान। पहली बात तो ये कि, तो अगर ये एक चीज मेरे दिमाग में रही कि भाई आप जिनसे आप रोज मिलेंगे, जान पहचान होगी, दोस्ती होगी, तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कि आप प्रभावित हो जाएं किसी चीज से, तो हम ना प्रभावित हो, हम सबसे बराबर दूरी बना कर रखें। और एक पत्रकार का काम, जो एक पत्रकार का धर्म पत्रकारिता ही होता है असल में, उसका इसके सिवा कोई धर्म नहीं होता, उसकी जाति पत्रकारिता है, उसका धर्म पत्रकारिता है, और पत्रकारिता का बेसिक सिद्धांत है कि आप जो है वो निष्पक्ष रहें, जो घटना जैसे हो रही है उस घटना को वैसे रिपोर्ट कीजिए,
आपके पाठक, आपके दर्शक, जनता वो फैसला करेगी कि उसको इस घटना को सही मानना है, गलत मानना है, क्या करना है, वो उन पे छोड़ा जाना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया ये कि जो भी घटना घट रही उसमें जितने समपक्ष शामिल हैं उन सब पक्षों को बिना किसी लाग लपेट के एक समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आप उनसे सहमत हो या सहमत नहीं हो, एक बात। दूसरी बात ये कि जितने भी जब जो स्टोरी जितनी बड़ी है उसको उतनी बड़ी कवरेज दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान से तेल के मामले में नटवर सिंह का जो विवाद हुआ था, आपको याद होगा पूरे 48 घंटे तक आज तक के कवरेज को जारी रखा था बिना रुके, और अंततः वो कवरेज रुकी तब जब नटवर सिंह का इस्तीफा उस मामले में हो गया और वो कहानी पूरी। तो जो कवरेज थी वो एक तरह से मतलब हम उसको छोड़ दे नहीं थे, अंत तक उसको लेके जा रहे हैं, ये हमारा सिद्धांत था। तो उसमें नटवर सिंह के खिलाफ भी स्टोरी हुई, अमर सिंह के भी खिलाफ स्टोरी हुई कि जब उन्होंने लखनऊ में एक जो है मकान जो है वो MIG कोटे में बुक करा लिया, और एक और उनका मकान था उसके साथ में उसको जोड़ने का ये पूरा घालमेल हुआ था। तो उस घटना को भी आज तक ने उठाया। तो जैन हवाला कांड में बहुत सारे नेताओं के नाम आए थे, आडवाणी जी का नाम आया था, तो उसमें किसी के मामले में ये नहीं हुआ है कि इसके लिए आप ज्यादा कवरेज दें, या जो आपका टेलीफोन घोटाला हुआ था सुखराम उसमें फंसे थे, कांग्रेस के थे, तो सुखराम के विरुद्ध भी उतनी ही सारी वैसी खबरें की गई। तो कहने का मतलब ये कि हम उस निष्पक्षता को लगातार हम बनाए हुए थे कि और बना के रखना भी चाहिए। आज जो मीडिया की स्थिति है जहां पर मीडिया एक तरह से पार्टीजन हो गया है कि हम इसके पक्ष में करेंगे और इसके पक्ष में नहीं करेंगे, ये काम मीडिया का है नहीं। मीडिया असल में आईना है, और अगर आईना आपको गलत तस्वीर दिखाता है तो आईना आपका मित्र नहीं हो सकता, वो आपका शत्रु है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आईना देखता हूँ, रोज अपना चेहरा देखता हूँ और मेरे चेहरे पे घाव हो रखा है और आईना वहाँ उस घाव को नहीं दिखाता, मेरा चेहरा मुझे सुंदर दिखाता है, तो मैं बहुत मन मन खुश होऊंगा। और अगर मुझे घाव दिखाएगा तो मैं डॉक्टर पास जाऊंगा, इलाज कराने की सोचूंगा कि इसका इलाज कैसे करूँ। तो जो आईना मुझे मेरे चेहरे के घाव दिखाता है वो मेरा मित्र है, या जो आईना मेरा चेहरा सुंदर दिखाता है वो मेरा मित्र है। सोचने की बात इतनी। पर नकवी साहब, ये आप अपने बारे में कह सकते हैं, आपके जो रिपोर्टर हैं जो बाजार में रहते हैं, घूमते हैं, राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं, कोई उनसे प्रभावित भी होता होगा, उन खबरों को उनके सही रूप में लाने की चुनौती का आपने सामना कैसे किया? देखिए, ये जब रिपोर्टर भी जानता है कि अगर संपादक निष्पक्ष है तो रिपोर्टर भी निष्पक्ष रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई भी संपादक ऐसा नहीं होगा जो जो खबरों में एक्टिव है, खबरों के पे जानकारी रखता है, तो उसको एक नहीं वो खबर का जो दूसरा चेहरा है, तीसरा चेहरा है, वो दूसरे तीसरे रिपोर्टर से मिल जाएगा। तो कोई रिपोर्टर ऐसा सोच नहीं सकता कि नहीं मैं सिर्फ एक ही पहलू दिखाऊं और संपादक महोदय को पता नहीं चलेगा। नहीं, संपादक महोदय को तो पता चल सकता है अगर संपादक जानना चाहे तो, क्योंकि उसके पास एक रिपोर्टर्स की टीम होती है, एजेंसियां हैं, दूसरे अखबार हैं, दूसरी पत्रिकाएं हैं जहां उन चीजों के बारे में चीजें छप रही हैं, दूसरे न्यूज चैनल हैं वो भी कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। तो ऐसा है नहीं कि जी किसी घटना की जो वास्तविकता है वो किसी संपादक को पता ना चले, ये असंभव है। तो अगर संपादक निष्पक्ष है, उसको मालूम है कि ये घटना ऐसे ही हुई है, तो रिपोर्टर उस घटना को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो गलत नहीं लिख सकता। और मुझे ऐसा कोई संकट कभी मुझे देखने में नहीं है, मुझे फेस नहीं करना पड़ा जहां पे मुझे लगे कि मेरे किसी रिपोर्टर ने जानबूझकर कोई गलत रिपोर्ट की हो। गलती से कोई चीज गलत हो गई हो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर मैनिपुलेट करने के उद्देश्य से, किसी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से, मुझे नहीं लगता कि मेरे समय में कि कोई किसी ने ऐसा किया। अरुण पुरी जी जो मालिक हैं वो तो आज तक ग्रुप के, उनकी तरफ से कभी कोई दबाव आया अरुणपुरी या इशारा हुआ? नहीं, इशारा इस तरह का नहीं हुआ। देखिए,
सबसे बड़ी जो बात थी वो जो मैंने भी चर्चा की अमर सिंह के मामले की चर्चा की, उस समय जो है उत्तर प्रदेश में आज तक के खिलाफ काफी माहौल बनाया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कहने पर जो लोकल पुलिस थी उन्होंने आज तक के संवाददाताओं स्ट्रिंगरों तक को जो है चेज किया। कुछ करते नहीं थे वो, सिर्फ उनके पीछे पीछे पीछा करते थे और वो एक तरह से हरास करने की कोशिश की। ऐसी घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन ऐसी सारी घटनाओं का हम लोगों ने एक तरह से अच्छे से सामना किया और हम किसी दबाव में नहीं आए, और दबाव में आए हुए होते तो दुनिया को पता चल गया होता। ऐसा नहीं है आप कोई दबाव में आके कुछ काम करेंगे तो आपके बारे में कहानी दूसरे अखबारों में नहीं छपेगी, ऐसा तो संभव नहीं है। एक घटना के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे सुरेन जी ने बताया था, एसपी सिंह सर ने, कि जब शुरू में भाषा आपने उसको रंग दिया, रूप दिया, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, उस भाषा को लेकर शुरू में अरुण पुरी एक दिन आए न्यूज रूम में और उन्होंने सुरेन जी से कहा कि जिस चीज को मैं नहीं समझ सकता हूँ उसको मेरा दर्शक क्या समझेगा, तो उसको फिर आप लोगों ने सरलीकृत कैसे किया? ये बड़ा वाक्य था कि जिसको मैं नहीं समझ सकता हूं उसको आम देखने वाला दर्शक आज तक का कैसे समझेगा? देखिए ये अरुण पुरी का जो है शुरू से इंसिस्टेंस रहा आज तक शुरू होने के पहले से कि इसकी भाषा कैसी हो, तो उनको ये था कि जो इंडिया टुडे हिंदी है उसकी भाषा बहुत सरल है, सब लोग समझ लेते हैं, तो उनको लगता था कि इंडिया टुडे हिंदी जैसा जैसी भाषा होनी चाहिए। और चूंकि उनके उनको जो है जो अनुभव था उनका हिंदी का दूरदर्शन टीवी का, वो दूरदर्शन था, और दूरदर्शन की जो हिंदी थी वो समझ में नहीं आती थी, हम लोगों को भी बहुत बार समझ में नहीं आती थी। और मैं आपको बताऊं ये पहले एक धारणा थी कि जो खबर होती है वो बहुत ही गंभीर चीज होती है और बहुत ही सैक्रोसेंट चीज होती है, इसलिए उसकी भाषा बहुत ही गंभीर होनी चाहिए। जैसे मैं तो उर्दू जानता हूँ और ठीक ठाक उर्दू जानता हूँ, और उन दिनों जो है आपको भी याद होगा कि देश में हमारे यहाँ पाकिस्तान के सीरियल काफी और जो ड्रामा चलते थे थे काफी मशहूर थे, वीएचएस का जमाना था, लोग वीएचएस टेप लाते थे, मित्रों को बुलाते थे और वो पाकिस्तानी ड्रामा दिखाते थे, और जी। वो टीवी के जो ड्रामा थे पाकिस्तानी वो सबको उनकी उर्दू समझ में आ जाती थी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान टीवी का न्यूज बुलेटिन सुनता था तो आधे शब्द मेरे को समझ नहीं आते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि भाई इनका जो है वो जो ड्रामा है जो इंटरटेनमेंट कार्यक्रम उसकी तो उर्दू मेरे समझ आ जाती है और खबर की जी उर्दू नहीं समझ आती। हिंदी के साथ भी यही था कि हिंदी के जितने सीरियल थे उनमें जो भाषा थी वो दूर दराज तक उसको लोग कन्याकुमारी तक सुन लेते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन हिंदी की खबर सुनने में दिक्कत थी। तो अरुण पुरी को जो दूरदर्शन से दिक्कत होती थी वो खबरें सुनने में, तो वो चाहते थे कि वो आज तक में वो नहीं हो, तो उन्होंने जो शुरू से, वरना अगर भाषा पे इतना जोर नहीं होता अरुण पुरी का तो मुझे शायद आज तक में नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि लाया गया था कि भाषा बनानी इसकी, तो इसलिए जब वो मैं आया भाषा बनी तो अरुण पुरी रोज आते थे, रोज आकर के वो खबरों को देखते थे और सुनते थे, और जो चीज अब या तो तैयार खबर है फाइनल टेप फाइनल एडिट तो एडिट मशीन पे देख लिया, अगर वो स्क्रिप्ट के लेवल पे है तो वो कहते थे स्क्रिप्ट पढ़ो और फिर उनको पढ़ के स्क्रिप्ट सुनाई जाती थी, और उसमें कई बार जो है उनको आपत्ति होती थी, जैसे हम लोगों को और कभी कभी हमको बुरा भी लगता था, जैसे विस्फोट बम विस्फोट उन्होंने कहा व्हाट इज विस्फोट, इट्स ब्लास्ट, व्हाई कांट यू राइट ब्लास्ट, आप ब्लास्ट क्यों नहीं लिख सकते, और उसके बाद वो हम लोगों ने ब्लास्ट ही लिखना शुरू किया क्योंकि वो आप विस्फोट जैसे ही लिखोगे वो अरुण पुरी विस्फोट कर देते थे कि ये क्या लिख रहे हैं। तो वैसा विस्फोट आज तक के शुरुआत में काफी हुआ और बहुत सारे शब्दों पे उनकी आपत्ति थी, और वो शब्द जो है वो हम लोगों ने हिंदी के वो शब्द हटाए, लेकिन उसके बावजूद जो आज तक की हिंदी थी वो काफी हिंदी थी, उसमें अंग्रेजी के बहुत कम शब्द हुआ करते थे बजाय दूसरे न्यूज बुलेटिन के जो इंग्लिश पे थे जो आधी से ज्यादा अंग्रेजी लिखते थे, तो ये फर्क था उसके अंदर। आपने अपने जमाने के जो दूसरे कंपटीटर्स थे, प्रतिद्वंदी थे आपके न्यूज चैनल में, टेलीविजन न्यूज चैनल में,
इनका मुकाबला कैसे किया, इनको अपने नजदीक कैसे नहीं आने दिया, गुण क्या था आपका और उनकी कमियां क्या थी? एक तो जो एडवांस प्लानिंग होती है आज तक में, और जो सिस्टमेटिक काम आज तक में शुरू से किया गया, उसकी वजह से हम बहुत मामलों में बहुत आगे रहे और उससे हमारी साख बहुत बढ़ी। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। परवेज मुशर्रफ भारत आने वाले थे, उनके आने की तारीख पहले से तय थी, जाहिर सी बात है। हमारे एक रिपोर्टर ने, जो उन दिनों, इस समय तो बहुत बड़े एंकर हैं वो, उन दिनों बहुत ही जूनियर लेवल पे थे, लेकिन उनको आइडिया आया। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो ताज मानसिंह में रुकेंगे मुशर्रफ साहब, तो हम उन्हीं डेट में कमरे बुक करा लेते हैं। तो आइडिया हमको अच्छा लगा कि ठीक है जी। तो उनके आने के 3 4 दिन पहले से और आने के 2 3 दिन बाद तक का हमने एक डेट लेके वो कमरे बुक करा दिए उस होटल में। हमारी टीम, कैमरामैन समेत हमारा एक रिपोर्टर उस होटल में पहुंच गया 3 4 दिन पहले। और उसका जब सिक्योरिटी ड्रिल वगैरह शुरू हुई, तो बाकी जो सारा मीडिया वो बाहर और सिर्फ आज तक की कैमरा टीम और वो रिपोर्टर अंदर। तो वो अंदर से सारी खबरें, क्या तैयारी हो रही है होटल में, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब होता रहा तो ठीक है। उसके बाद जिस दिन मुशर्रफ अपनी यात्रा खत्म करके जाने वाले थे, तो तय हुआ कि कल सुबह वो एडिटर्स मीट करके जाएंगे। तो ठीक है, एडिटर्स मीट हुआ, सबको पता चल गया। अब रात में, क्योंकि हमारा कैमरामैन वहां था, हमारा रिपोर्टर वहां था, जिस हाल में एडिटर्स मीट होनी थी, रात में 12 बजे वहां एक कैमरा लग गया, उसका केबल फिस गया, केबल ओबी से कनेक्ट हो गया और एडिटर्स मीट शुरू हुई। तो आज तक लाइव टेलीकास्ट कर रहा था और किसी के पास वो था नहीं, क्योंकि और किसी कैमरा अंदर नहीं था। तो ये एक बात है कहने की कि कैसे जो है आप पहले से सोचते हैं तो तैयारी करते हैं। दूसरी घटना मैं आपको बताऊंगा, अयोध्या मामले पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था, सभी को मालूम था कि क्या फैसला आने वाला है। और वो इतना जटिल केस था कि वो जटिल केस को बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और हम लोग भी, वो केस इतना पुराना हो चुका था कि उस कहाँ से शुरू हुआ था अब कहाँ पहुंचा भूल भाल गए थे। तो मैंने अपनी रिसर्च टीम को करीब 20 25 दिन पहले कहा कि भाई इसका पूरा एक मुझे डॉकेट तैयार करके 3 या 4 पेज का एक सिनॉप्सिस दे दीजिए कि पूरा ये अयोध्या केस है क्या और अभी किस स्टेज पे है, और विवाद अब हाई कोर्ट को क्या विवाद पे फैसला देना है। तो सब 3 4 पेज का डॉकेट शुरू हुआ। उसके बाद मैंने एक टीम बनाई कि अयोध्या की कवरेज कौन कौन करेगा, कौन रिपोर्टर होगा, वो रिपोर्टर कहाँ होगा, अयोध्या में कितने रिपोर्टर होंगे, लखनऊ हाई कोर्ट कौन कवर करेगा, पॉलिटिकल रिएक्शन लेने के लिए कौन कांग्रेस का रिएक्शन लेगा, कौन बीजेपी का रिएक्शन लेगा, कौन आरएसएस का रिएक्शन लेगा, कौन मुस्लिम पक्ष का रिएक्शन लेगा, रिपोर्टर की तैनाती कहाँ कहाँ होगी, असाइनमेंट डेस्क पे कौन आदमी होगा, हमारी जो आउटपुट टीम है उस पे कौन लोग होंगे, पैनल पे कौन होगा, पीसीआर पे कौन होगा। ये सारी तैयारी करने के बाद जब पूरी टीम तय हो गई, तो करीब ये फैसला आने के 20 दिन पहले मैंने सबकी मीटिंग बुलाई, उनसे कहा भाई ये टीम मेरी फाइनल है, यही टीम अयोध्या की कवरेज करेगी, और आप सबको मैंने इतने दिन पहले से इसलिए नियुक्त कर दिया है कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो उस दिन, क्योंकि ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो फिर सबको रिसर्च डॉकेट दिया गया, उनको एक ब्रीफिंग उसी दिन दी गई, उनसे कहा गया कि 3 4 दिन इसको पढ़ लीजिए, 3 4 दिन बाद हम दोबारा मिलेंगे, किसी को कोई प्रश्न हो तो करिए। और 3 4 दिन बाद दोबारा मीटिंग हुई, सब तैयार हुए और हम लोगों ने जो है वो 3 सिनेरियो तैयार किए थे। एक सिनेरियो ये था कि अयोध्या विवाद में फैसला हिंदुओं के पक्ष में जाता है तो मेरी कवरेज क्या होगी, अयोध्या विवाद में फैसला मुसलमानों के पक्ष में जाता है तो मेरी कवरेज क्या होगी, कैसे कवर करेंगे, और अयोध्या विवाद में फैसला किसी के पक्ष में नहीं जाता और कोई समझौते का रास्ता खोजा जाता है तो मेरी कवरेज क्या होगी। ये 3 सिनेरियो मेरे पहले से तैयार थे, उनपे क्या कवरेज होगी, कैसे होगी, ये सब पहले से तैयार था, हर आदमी को ब्रीफिंग थी। तो इसलिए जिस दिन अयोध्या का फैसला आया, हम में से किसी को कंफ्यूजन नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि एक न्यूज डायरेक्टर के तौर पे मैं शाम को 5 बजे के बाद, फैसला आने के बाद, मैं अपने आप को बेकार महसूस कर रहा था, क्योंकि कोई मुझे काम ही नहीं करना था, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं देना था। तो मेरा मेरा जो सिनेरियो 3 था, उसके हिसाब से फैसला आ गया, मेरी टीम अपने अपने हिसाब से काम कर रही थी। तो ये जो आज तक का जो एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ था एडवांस प्लानिंग का, इसने आज तक को बहुत फायदा किया। और आज भी मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा चैनलों में अभी तक ये कोई इसका इसका पालन नहीं करता, जबकि हम मेरा मानना है कि
करीब करीब 95% खबरें ऐसी होती हैं जो हमको पहले से मालूम होती है कि ये होने वाला है। तो ये होने वाला है तो उसकी कवरेज पहले से प्लान कर लीजिए, कैसे होगा, क्या करेंगे, और उसका कवरेज कर दिए। 5-6% घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुर्घटनाएं हैं, अचानक घटित हो गई, आपको मालूम नहीं। लेकिन उसमें भी जो बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं उनमें एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो एक अगर आपका तैयार है तो आपकी डेस्क उसी हिसाब से काम करने लगती है कि हाँ जी ऐसा हुआ कि मेरे को अब ऐसे से करना है। तो ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो अगर कोई भी संपादक इसको अप्लाई करे, इम्प्लीमेंट करे, तो उसको कवरेज उसकी अच्छी होगी, तेज होगी और गलतियां भी कम होंगी। आप अपने एंकर्स को कैसे तैयार करते थे, क्योंकि आजकल के जो एंकर्स हैं उनमें तो सूचनाओं की भी कमी होती है, ज्ञान की भी कमी होती है, मुर्गा ललाने की एक उन्होंने उसमें महारत हासिल कर ली है, और एंकर को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये जानकार एंकर है, इसे विषय की जानकारी है। तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, ये इसी के ऊपर आजकल पूरा डिबेट चल रहा है आज का। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप जब चीफ थे आज तक के, आपने एंकर्स को किस तरीके से ज्ञान दिया कि वो क्या बोले और कैसे बोले, किस चीज पे एम्फेसिस दें? इसका एक पूरा सिस्टम था संतोष जी। सिस्टम यह था कि हमारी एक न्यूज मीटिंग होती थी सुबह 11 बजे, उसके पहले 9 बजे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे क्या खबरें आनी है। 11 बजे मीटिंग होती थी जिसमें फिजिकली लोग उपस्थित रहते थे। हमारे जो आज तक चैनल है उसका आउटपुट का हेड, दिल्ली आज तक का आउटपुट का हेड, टेस का आउटपुट का हेड, हेडलाइंस टुडे के लोग, ये सब एक सामूहिक मीटिंग 11 बजे होती थी, न्यूज एजेंडा बनता था। शाम को 3:30 बजे हम लोग आउटपुट की फाइनल मीटिंग करते थे। उसमें सारे एंकर्स जिनको 9 बजे खबरें पढ़नी है, 9:30 बजे खबरें पढ़नी है, 10 बजे खबरें पढ़नी है, वो सब उसमें उपस्थित रहते थे। और उसमें हम लोग थ्रेड बेयर डिस्कस करते थे कि ये बुलेटिन में ये खबरें ये हैं, इन खबरों का कोर ये है, इन खबरों का मूल विषय ये है, और इनमें ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं पे चर्चा होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें पहले से डिस्कस हो जाती थी कि ये मूल बिंदु हैं। अब उसमें अगर एंकर्स के अपने को कुछ बिंदु जोड़ने तो एंकर्स भी जोड़ते थे कि हमारे कैसे इसमें ये भी शामिल करना चाहिए, वो भी शामिल करना चाहिए, और एक सामूहिक जो है निर्णय होता था उस पर कि भाई ये 10 तक जो 10 बजे की बुलेटिन है उसमें ये विषय हम लोग ले रहे हैं, और ये विषय के ये मुख्य बिंदु है, इन पे चर्चा होगी, और इन पे अलग अलग पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, इस पे ऐसे चर्चा। तो इस प्रकार जो हम शाम को बुलेटिन देते थे या जो कवरेज देते थे उसमें कोई कंफ्यूजन ऐसा नहीं होता था जिसको लेके हम कहें कि नहीं जी वो बिना ब्रीफिंग के। अगर वो एक प्रॉपर ब्रीफिंग है और एक प्रॉपर मीटिंग में, एडिटोरियल मीटिंग में आपकी जितनी टॉप की एडिटोरियल टैलेंट है वो सब वहाँ पे मौजूद है, तो सब एक पेज पे होते थे। आप जिसको PCR चलाना है वो भी, जिसको कॉपी लिखनी वो भी, जिसको एंकरिंग करनी वो भी, और तो इसलिए वहां पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती। आपके साथ जो लोग थे जिनमें से एक संजय पुगलिया का नाम मुझे याद आता है, ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे थे, आपने इनमें से कई नाम आप भी बताइए मुझे, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, शायद सुप्रियो भी आपके साथ थे, इन सारे लोगों की कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स आपके सामने हैं और किन किन के निगेटिव पॉइंट्स आपके सामने हैं? ठीक है, संजय पुगलिया मेरे साथ नवभारत टाइम्स बम्बई में थे और वो बहुत उत्साही थे, और उस समय उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे संडे ऑब्जर्वर निकलता था वहाँ से उन्होंने कुछ खबरें की थी और बहुत ही धमाकेदार खबरें की थी। उसके बाद नवभारत टाइम्स में काम करते हुए उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, फिर वो आज तक में आए, और आज तक में वो हमारे बहुत ही सीनियर समझदार रिपोर्टर थे और जिनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा था, सूचना भी उनके पास बहुत रहती थी, लोगों से मिलना जुलना भी बहुत अच्छा था। और बाद में जब वो CNBC आवाज के संपादक बने तो वो वाकई एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, क्योंकि हिंदी में बिजनेस चैनल का कोई मॉडल अवेलेबल नहीं था, और लोगों को खास तौर से जो बिजनेस खबरें थी वो माना जाता था कि लोग इसको पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं, बहुत बोरिंग होती है, बहुत ही कम लोग इसको पढ़ते हैं। ऐसे में
हिंदी के दर्शकों तक बिजनेस की खबरें देना, पहुंचाना, उनको जोड़ना, वो एक बहुत ही अपहिल टास्क था जो संजय पुगलिया ने बखूबी किया। और वो मेरे ख्याल से एक तरह का बहुत ही फोरसाइट का काम था, क्योंकि उस समय तो बहुत कम लोग थे जिनकी बिजनेस में और शेयर बाजार में और इन चीजों में रुचि हो, हिंदी हिंदी भाषा के। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं आज के इंटरनेट का पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, छोटे गांवों में, कस्बों, गांवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में इंटरनेट जा रहा है, तो लोग बिजनेस की का महत्व समझने लगे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फाइनेंस का महत्व समझने लगे, इकोनॉमी समझने लगे, उस पर चर्चा अब सब जगह होती है। तो उस तरह से उन्होंने पूरी जो हिंदी भाषियों की जनरेशन थी उसको शिक्षित करने का भी बड़ा काम किया। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात ये कि जो अब जैसे शुरू में आपने राम कृपाल सिंह का नाम लिया था, और ये हिंदी पत्रकारिता में एक समय राम कृपाल नकवी की जोड़ी मशहूर थी, और ये बिल्कुल इसकी बिल्कुल वजह थी, इसकी वजह थी कि राम कृपाल नवभारत में मुंबई में पहले आए थे मेरे से 2 वर्ष पहले, उसके बाद मैं आया था और हम लोगों की दोस्ती हुई वहां पर। और वहां पे 2-3 लोग थे जो युवा थे, और उनका यह था कि जो नए लोग आए उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिले, थोड़ा उनको एक तरह से सहारा दिया जाए। तो राम कृपाल सिंह थे, सचिन त्रिपाठी थे, विजय भास्कर थे, ये एक युवाओं का एक वो था, फिर मैं भी उसमें शामिल हुआ। तो वहां से जो हमारी दोस्ती हुई राम कृपाल से, उसके बाद लखनऊ नवभारत टाइम्स जब शुरू होने वाला था तो राजेंद्र माथुर जी उस समय संपादक थे नवभारत टाइम्स के, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को लखनऊ चलना चाहिए, मुंबई हम लोग एक बहुत दूर है अपने घर से, और यहाँ पे नवभारत टाइम्स की एक सीमा है, वो उसके आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते, तो लखनऊ जाए तो थोड़ी सी नए अखबार में थोड़ा पत्रकारिता करेंगे अच्छे से। तो हम लोग ने माथुर जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने दोनों जने को साथ भेज दिया लखनऊ, हम लोग लखनऊ काम करते रहे। उसके बाद जो हमारा अगला जो था पड़ाव वो रविवार का था, जिसमें आपकी बड़ी भूमिका थी, उदयन शर्मा रविवार के संपादक हुए, रविवार के पेजेस बढ़ रहे थे, उन्हें कुछ अच्छे पत्रकार चाहिए थे, आपने नाम सुझाया संत राम कृपाल सिंह का और मेरा, फिर उदयन से बात हुई और हम लोग कलकत्ता पहुंचे, 1.5 साल कलकत्ता हमने काम किया। उसके बाद चौथी दुनिया का प्रस्ताव आप ही लेकर आए हमारे सामने की चौथी दुनिया, तो शुरू में हमको बड़ा हेजिटेशन था कि नया अखबार है, पता नहीं क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। फिर ये हुआ कि भाई अभी हम लोग की उम्र बहुत कम है, रिस्क उठाया जा सकता है, तो हमने चलिए ठीक है, अगर एक ऐसा अखबार निकल रहा है जो थोड़ा नए तरीके से सोच रहा हो, जो परंपरागत जो हिंदी पत्रकारिता उससे थोड़ा अलग हटके सोचता हो, और चूंकि उस समय रविवार का भी चरित्र काफी बदल चुका था, आपको याद होगा, वो उसमें वो खबरों का तेवर नहीं रह गया था, और दिनवान जो एक गंभीर पत्रिका होती थी उसका भी तेवर काफी बदल चुका था। तो हम लोग को लगा कि हम लोग एक ऐसा अखबार निकालें जो दिनवान भी हो और जो रविवार भी हो, तो चौथी दुनिया की कल्पना इसलिए बनी थी, तो उसमें गंभीर कंटेंट भी था और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, स्पॉट रिपोर्टिंग, और इसलिए चौथी दुनिया काफी जो है वो सफल हुआ। उसका एक बड़ा कारण ये है कि उसने बहुत बड़े वायड को भरा, जो वायड हम लोग भी महसूस करते थे कि कहाँ हम लोग अच्छी रिपोर्टिंग कहाँ पढ़ें, अच्छा विश्लेषण कहाँ पढ़ें, अच्छे लेख कहाँ पढ़ें, तो चौथी दुनिया ने कहा, तो हम और राम कृपाल सिंह चौथी दुनिया है। उसके बाद 2.5-3 साल चौथी दुनिया में काम किया, उसके बाद राजेंद्र टाइम्स माथुर है ने कहा कि भाई आप लोग लखनऊ, आप हम चाहते हैं कि आप लोग लखनऊ का अखबार को सुधारो, तो हुआ कि ठीक है दोनों लोग न्यूज एडिटर बने। तो फिर मैंने कहा माथुर जी से कि साहब एक अखबार में एक न्यूज एडिटर होता है, दो न्यूज एडिटर आप जो है वो क्यों बना के भेज रहे हैं, तो इससे तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक आदमी को, मैंने कहा कि मुझे आप जयपुर भेज दो, राम कृपाल सिंह लखनऊ भेज दो, जयपुर में भी जरूरत थी। तो माथुर जी का जवाब बहुत दिलचस्प था, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे लिए राम कृपाल नकवी दो नहीं है, वो एक है, एक है तो आप लोग जाएं दोनों, और दोनों रहेंगे तो हम मानते हैं कि एक रहेंगे। और ये ऐसा हुआ, जब इसकी एक और मैं आपको बता दूं कि जी दोनों हम लोग रविवार में थे, तो एक इतिहास पे एक सीरीज उदयन शर्मा चला रहे थे,
और वो बहुत ही कठिन अंग्रेजी में आती थी, और वो 10-12 पेज के टेलीप्रिंटर पे पेजेस आते थे, बहुत लंबी थी। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, एक आदमी कर नहीं सकता था क्योंकि बहुत लंबा ट्रांसलेशन था। तो उदयन ने कहा कि ऐसा है, आधा ट्रांसलेशन नकवी करेंगे, आधा रामकृपाल सिंह करेंगे। तो ऊपर से आधा हिस्सा रामकृपाल जी फाड़ के ले लेते थे, नीचे का आधा हिस्सा मुझे मिलता था। अब वो और भी कठिन काम कि आप ऊपर का आपको कंटेक्स्ट ही नहीं पता, आप ट्रांसलेशन कर। बहरहाल वो ट्रांसलेशन हुआ, छपता रहा। एक दिन उदयन शर्मा ने रविवार की कापियां अपने संपादकीय विभाग में हर एक आदमी को दी। उनका कि भाई देखो ये ट्रांसलेशन दो आदमी मिलकर करते हैं, अब आप लोग यहाँ पे गेस लगा के बताओ कि यहाँ पे रामकृपाल सिंह का ट्रांसलेशन कहाँ तक है और नकवी का ट्रांसलेशन कहाँ तक है। सबकी ड्यूटी है, सब पढ़ेंगे और सब ये निशान लगा के बताएंगे। वो सबने निशान लगा के दिया और एक भी आदमी का निशान सही जगह नहीं लगा था। तो इसका मतलब ये कि जो ट्रांसलेशन रामकृपाल कर रहे थे और जो ट्रांसलेशन मैं कर रहा था, उसमें लोगों को अंतर नहीं मिल रहा था। काम दो आदमी कर रहे थे, भाषा उनकी अलग है, भाषा मेरी अलग है, लेकिन जब वो हम अनुवाद करने बैठते हैं तो ये हुआ कि रामकृपाल सिंह थोड़ी नकवी की भाषा अपनाएंगे, नकवी थोड़ी रामकृपाल की भाषा अपनाएंगे, तो वो एक धारा बन जाएगी। तो इस तरह से ये एक हमारी जोड़ी थी जो बहुत दिन तक काम करती रही। बाद में नवारा टाइम्स के दिनों ही अलग हुई, जब वो दिल्ली आ गया, मैं जयपुर चला गया, फिर जयपुर से मैं आज तक आया। बाद में रामकृपाल सिंह आए आज तक उस समय के लिए, लेकिन ये एक यात्रा थी हमारी जो काफी है। दूसरी, अगर मैं एक पत्रकार का जिक्र करूंगा जो जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया है, या नहीं सॉरी रविवार में काम किया मेरे साथ, जयशंकर गुप्त नाम उनका, पर मेरे साथ रहते थे, वो मेरे पड़ोस में रहते थे जहाँ पे मैं रहता। तो आप खोजी पत्रकारिता के बारे में मैंने काफी सीखा जयशंकर गुप्त से। वो बहुत ही मेहनती पत्रकार थे और हिंदी में उन्होंने, जब उधर मुंबई में थे तो महाराष्ट्र से बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने की जो रविवार में छपती रही। तो ये जो है एक जयशंकर गुप्त जो है काफी अच्छे पत्रकार थे। फिर मेरे जो सीनियर लोग हैं, गुरु लोग, विश्वनाथ सचदेव हैं, तो उनका नाम लेना ही चाहूंगा। उनसे मैंने लेआउट के बहुत सारे फंडे सीखे। मैं नवहर टाइम्स में रिपोर्टर होता था, मेरी ड्यूटी आमतौर पर 2 बजे से लगती थी, तो मैं चला जाता था ऑफिस 11 बजे के आसपास। विश्वनाथ जी आ जाते थे, तो मैं एक दिन पे तो वही बैठते थे, तो अक्सर मैं वहां बैठता था और पूछता था कि ये फोटो आप यहाँ क्यों लगा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो, तो ये इतना बड़ा क्यों लगा रहे हो, इतना छोटा क्यों नहीं लगा रहे हो। तो इस तरह से हमने जो है वो लेआउट का ज्ञान जो है शुरू में विश्वनाथ सदियों से सीखा। रविवार में जब गया तो योगेंद्र कुमार लल्ला जी थे, जो जिनका भी लेआउट सेंस बहुत गजब था, और कलर फोटो, कलर ट्रांसपेरेंसी कैसे छाटी जाए, वो चीज मैंने वहां पे उनसे सीखी। तो इस तरह से एक यात्रा चलती रही सीखने की सीख। फिर बाद में फोटोग्राफी, मुझे लगा मेरे को फोटोग्राफी सीखनी चाहिए, तो हमारे एक फोटोग्राफर मित्र थे हैं धर्मवीर जैन, जो अभी भी हैं, मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं इस समय, वो चौथी दुनिया में आते थे, और तो उनसे मैंने फोटोग्राफी सीखी कि। और जब मैं चौथी दुनिया के लिए पाकिस्तान इलेक्शन कवरेज करने गया, तो मैंने पाकिस्तान की सारी तस्वीरें खींची और चौथी दुनिया को भेजी और छपी भी वो। तो ये एक यात्रा थी जो चली चलती रही, और वो सीखने की यात्रा अब भी जारी है। अब प्रिंट कर चुका हूँ, टीवी कर चुका हूँ, फिलहाल डिजिटल पत्रकारिता सीख रहा हूँ, SEO क्या होता है, और वेबसाइट डेवलपमेंट, तो वेबसाइट के जो टेक्निकल पक्ष हैं काफी कुछ मैं जानता हूँ, SEO के टेक्निकल पक्ष हैं काफी कुछ मैं जानता हूँ। तो अलग अलग चीजें करते हुए हम इस मुकाम पे पहुंचे। नकवी, आप जब आज तक में थे और आज तक को आप बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे, तो आपके प्रतिद्वंदियों ने आपको प्रलोभन नहीं दिया, छोड़ने का लालच नहीं दिया कि हम बेहतर कंडीशन देंगे, बेहतर सुविधाएं देंगे, आप हमारे चैनल में आ जाइए? देखिए, पहली बार मेरे पास तो खैर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया कि आप आज तक छोड़ के यहाँ आइए। उसका एक कारण और भी है, दूसरी मैं स्वभाव से बहुत ही स्वतंत्र और बहुत अक्खड़ भी हूँ, तो वो मैं कहूँ कि जितनी स्वतंत्रता मुझे आज तक में थी और जितनी स्वतंत्रता मुझे अरुण पुरी ने दी थी एक संपादक के तौर पे, उतनी स्वतंत्रता को छोड़ के जाना कहीं ये बड़ा जोखिम वाला काम था। तो मैं आज तक मैं खुश था,
और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, और जो आज तक का मैनेजमेंट था बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट था, और जो एडिटोरियल इंडिपेंडेंस थी वो काफी थी। ये एडिटोरियल इंडिपेंडेंस इतनी थी कि बहुत बार जैसे जो टेली मार्केटिंग के विज्ञापन होते हैं, जैसे अभी भी 12 बजे रात के बाद चलते हैं तो बहुत बार, तो उसमें कोई ऐसा टेली मार्केटिंग का विज्ञापन ऐसा चल नहीं सकता था जो जिसे देख के मैंने अप्रूव नहीं किया हो। यानी उन विज्ञापन विभाग को ये था कि जो आपका कमर्शियल ब्रेक में चलना है विज्ञापन वो तो आप चलाएं, उसको देखने की बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा विज्ञापन जो मेरे एडिटोरियल स्पेस में चलना है टेली मार्केटिंग के तौर पे या स्पॉन्सर्ड कंटेंट के तौर पे, वो जब तक एडिटोरियली मैं वेट नहीं करूंगा वो नहीं जाएगा। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने उनको मना कर दिया कि ये मैं नहीं चला सकता हूँ। तो इसलिए जो जहाँ पे संपादक को इतनी स्वतंत्रता हो कि नहीं उसके मार्केटिंग विभाग को भी संपादक से अनुमति लेनी पड़े कि ये विज्ञापन चलेगा, ये टेली मार्केटिंग का टेप चलेगा या नहीं चलेगा, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा स्वतंत्रता हो नहीं सकती संपादक। नहीं, तो मेरे मेरे अब आखिर में दो सवाल हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि आपको ये ज्योतिष में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, और चारों तरफ शोर है कि नकवी साहब ने ज्योतिष को वैज्ञानिक नजरिए से देखा, उसको एक नया स्वरूप दिया, उनका उनकी एक्यूरेसी बहुत सही है, स्टडी बहुत सही है, तो ये इंटरेस्ट कैसे हुआ आपको? देखिए मेरी ना वो एक सीखने की और हर चीज को परखने की जो है मेरी एक इनहेरेंट जो है वो गुण है मुझ में। तो जब ज्योतिष का मामला आया तो मुझे लगा कि ये है क्या, ये अंधविश्वास है या इसका कुछ होता है, कुछ असर पड़ता है, सही है गलत है, तो आप इसको कैसे आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे जब तक आप उसको पढ़े नहीं। तो मैंने पहले एक दो किताबें पढ़ी जो कुछ समझ में आई कुछ नहीं समझ में आई, फिर मुझे लगा कि भारतीय विद्याभवन में मैं एडमिशन ले लूं, तो मैंने एडमिशन लिया और एक साल मेरे को गोल्ड मेडल मिला, अगले साल मेरे को सिल्वर मेडल मिला। तो यानी यहाँ तक ज्योतिष मैंने पढ़ा, उसके बाद बहुत सारे लोगों को पढ़ा ज्योतिष में, और बहुत बार पाया, फिर मैंने पाया कि भाई ये ज्योतिषी प्रेडिक्शन में गलत क्या कहाँ हो जाते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं। तो बहुत बार ऐसी है कि वो गलतियां होती हैं। अब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं इसको अभी भी परख रहा हूँ कि असल में ज्योतिष सही है कि खाली तुक्केबाजी है, तो पढ़ तो रहा हूँ अभी भी, लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, किसी कुंडली नहीं देखता, कुछ नहीं करता, भाई पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि नहीं इसके जरिए आप 100% भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं चुनाव में ये जीतेगा ये जीतेगा ये जीतेगा, या जैसे कुंडलियां बहुत लोगों की लोग देखते हैं, लेकिन पहले से क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अमुक आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। मैं मुझे तो ऐसा कोई ज्योतिष नहीं मिला जो करे वीपी सिंह की कुंडली जिसने देखी हो और कह देता कि साहब आप एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, या नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय कोई उनकी कुंडली देख के बताता कि आप भारत के एक दिन बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे तो आज तक अभी कोई ऐसा मिला नहीं है। तो बिल्कुल इसलिए ठीक। ज्योतिषियों को मैं देख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। और उसके बाद भी ज्योतिष में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और उनमें से बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स एक दूसरे के सिद्धांतों को काटते भी हैं, तो ये बहुत ही अब और कंफ्यूजिंग सीन हो गया है। इसलिए अब इस विषय पे अभी तक मैं खोज ही रहा हूँ आप कहें तो। आपने जिस समय जिस दौर की पत्रकारिता देखी, जिस दौर की पत्रकारिता की, जिनके जिनके आपने नाम लिए और जितने शिष्य आपने बनाए, उस समय की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता को देखकर, एक जर्नलिस्ट के नाते और भारतीय नागरिक होने के नाते, आप खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए एक तो चीज शाश्वत है कि जो पुरानी चीज है पुराने लोगों को अच्छी लगती है और नए लोगों को अच्छी नहीं लगती। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम लोग जवान हो रहे थे तो पुराने फिल्मों के जो गाने थे हमको स्पष्ट समझ में नहीं आते थे ये क्या गाना है, हमें अपने समय की फिल्मों के गाने समझ आते थे। तो एक तो जनरेशन का फर्क होता है, जिनको जो पुरानी जनरेशन है उसको अपने समय की चीजें याद रहती। तो अगर मैं ये कहूँ कि साहब वो पुराने समय की पत्रकारिता बहुत अच्छी थी, तो ये उसी में आएगा कि भाई वो तो मेरे समय की पत्रकारिता थी, उसमें जो लोग
वो बात नहीं, बात मूल रूप से, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों को बदलती है। टेक्नोलॉजी आपके जीवन को बदलती है, टेक्नोलॉजी आपके मूल्यों को बदलती है, टेक्नोलॉजी आपकी भाषा को बदलती है, टेक्नोलॉजी आपके रहन-सहन को बदलती है, तो आपके सोच को पूरा का पूरा बदलती है। तो अभी की जो पत्रकारिता है वो बहुत टेक्नोलॉजी आधारित है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी ये पत्रकारिता बदलेगी। पर ये बदलाव जो होना चाहिए, इससे आगे जो बदलाव हो गया वो चिंता की बात है, जहां पर पत्रकारिता में हम पार्टीजन हो रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने फॉर्मेट बदल लीजिए, कैसे हेडिंग लगाएंगे या कैसे कवरेज करेंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर आपको मजबूर कर दे कि आप पार्टिजन हो जाएं तो ये दिक्कत की बात है। और ये दिक्कत अभी बढ़ने वाली हुई, इसलिए बढ़ने वाली है, आप देखें कि अभी जो पूरी की पूरी डिजिटल पत्रकारिता है ये इंटरनेट आधारित है, और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, फेसबुक के जरिए होता है, यूट्यूब के जरिए होता है, ट्विटर के जरिए होता है, गूगल के सर्च में अगर आपके आर्टिकल नहीं आए तो आपको कोई जानेगा नहीं, फिर बहुत से कंटेंट एग्रीगेटर हैं जो आपके कंटेंट को दिखाते हैं, सारे जितनी वेबसाइट है न्यूज की उनके कंटेंट को दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कारण से कुछ ऐसे कंटेंट एग्रीगेटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ लोगों को सिंगल आउट कर लें कि इस तरह की चीज हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ऐसा एल्गोरिथम बनाएंगे कि ये चीजें नहीं सामने आए, तो नहीं सामने आएंगी, आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए। अभी तक ये समस्या नहीं थी, जैसे टीवी में डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या थी कि आपको केबल ऑपरेटर को, डीटीएच वाले को पैसे देने होते थे, लेकिन एक बार आपने पैसे दे दिए, एक बार आपने अपना बैंडविड्थ बुक करा लिया कि मेरे को इसी बैंड पे दिखना है और इतना पैसा इसको लेंगे, इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लिया, तो वो डीटीएच ऑपरेटर, वो केबल ऑपरेटर आपको उस जगह दिखाएगा। उसके बाद लोग आपको देखें ना देखें ये आपके कंटेंट पे निर्भर है, लोगों की पसंद पे निर्भर है। लेकिन यहाँ डिजिटल में तो ये है नहीं, डिजिटल में तो पूरी की पूरी तरह से आप, ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका डिजिटल में एक तरह से मोनोपोली है, आप उनके ऊपर विशुद्ध रूप से आधारित हैं, और इसलिए ये जो अभी जो हो रहा है, जो जिस तरह की पत्रकारिता, उसमें ये भी कारण हो सकता है कि भाई लोगों को लगता हो कि नहीं। अच्छा, दूसरी एक जो बहुत बड़ी बात जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन यह है कि भाई उस समय की पत्रकारिता में संपादक कंटेंट तय करता था, अभी संपादक कंटेंट नहीं तय करता, अभी जनता कंटेंट तय करती है। जनता कैसे कंटेंट तय करती है, हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल में हम देख लेते हैं, हम देख सकते हैं कि इस समय क्या चीज ट्रेंडिंग है, लोग क्या लिख रहे हैं, जनता किस क्या किस सेंटीमेंट को लेकर चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उसी सेंटीमेंट का कंटेंट देंगे तो वो ज्यादा लोग पढ़ेंगे, वो ज्यादा लोग शेयर करेंगे, वो ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारी जो है रीच, हमारा कंटेंट, टाइम स्पेंट सब बढ़ेगा। लेकिन अगर जो जनता सोच रही है उसके हम विरुद्ध सोच के दिखाएंगे तो लोग हमें इग्नोर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अभी की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि जनता का जो दबाव है, सरकार का दबाव हो सकता है, उद्योगपतियों का दबाव हो सकता है, कमर्शियल दबाव हो सकता है, वो बहुत छोटे दबाव हैं, जो कि जनता का दबाव जो बहुत बड़ा दबाव है और जिस पर हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं हो रही। भविष्य आप कैसा देखते हैं, राजनीति का आज की पत्रकारिता के ऊपर उसकी दशा और दिशा को तय करने में कितना बड़ा रोल होने वाला है, या पूरी की पूरी पत्रकारिता राजनीतिक बॉसेस के इच्छा के हिसाब से लोगों को का दिमाग बदलने में या उसे प्रभावित करने में लगने वाली है? ये आखिरी सवाल है। नहीं, ये बहुत सच है और चिंता की बात है कि पत्रकारिता जो है वो काफी बड़ा एक वर्ग पत्रकारिता का, जो कि पॉलिटिकली ड्रिवन है, जो ये पॉलिटिकल पार्टियों के पीआर की तरह से काम कर रहा है, उनके मुखपत्र की तरह से काम कर रहा है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अखबार होते थे, उनको हम लोग मानते थे कि ये फला पार्टी का मुखपत्र है, ये फला पार्टी का है, और उसमें जो कंटेंट आता उसको उसी नजरिए से देखा जाता था। लेकिन अब जो बहुत सारे खास तौर से न्यूज चैनल, अखबारों में भी ये चीज है, हिंदी अखबारों में तो हमको बहुत ही दिखता है ये, लेकिन न्यूज चैनलों में तो ये बड़ी समस्या है, जहां पर हम ये देखते हैं कि आप
हर समस्या के लिए जहां सरकार, जहां सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए वहां सवाल आप विपक्ष से पूछते हो। ऐसा तो आज तक हमने देखा नहीं था कि कभी ऐसा होता हो कि जो सरकार में हो उसको ना घेरने के बजाय हम अपोजिशन को घेरें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये जो पूरे का पूरा माहौल है पत्रकारिता का, ये बहुत ही चिंताजनक है और इसके बारे में लोगों को गंभीरता से सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको जारी रखेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र बचा नहीं रह सकता, इस बात को लोगों को समझना चाहिए। मैंने जानबूझ करके श्री कुमार वहीद नकवी से आज तक के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो शायद पसंद करें जवाब देना, न पसंद करें, लेकिन अगली बार मैं जरूर पूछूंगा। और इसलिए पूछूंगा कि पिछले एक हफ्ते से 7 दिन हो गए, हम कितने सुख में हैं कि हमको सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस के ऊपर आज तक सहित सारे चैनल ज्यादातर लगे हुए हैं, और हमें, हम मानसिक इस दुख से वंचित हैं, या हम सुख में हैं कि हमारे देश में कोरोना से मौतें नहीं हो रही हैं, अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है हम नहीं जानते, हम सुखी हैं। बिहार में बाढ़ से कितने लोग मर गए हमें नहीं पता, देश भर में बाढ़ आई, सरकारों ने कुछ किया या नहीं किया, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, सरकार की आर्थिक नीतियां किस तरफ जा रही हैं, इन सारे सवालों से इन टीवी चैनलों ने हम सबको मुक्त कर दिया कि कुछ जानकारी नहीं दें ताकि हम मानसिक रूप से भी परेशान हो। तो नकवी साहब, इन सारे सवालों पर बातचीत होनी चाहिए, और मेरी राय है, मेरी कोशिश है, आप खुद एक हिस्सेदार हैं इस समय, एक सत्य नाम का बड़ा हिंदी वेब चैनल चल रहा है, डिजिटल चैनल, तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जो समाज के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना रखते हैं, नकवी साहब की बातों से ऐसा लगा कि वो समाज के प्रति संवेदना को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और अपनी जिम्मेदारी नागरिक के नाते ये मानते हैं कि समाज के बीच में वो बातें जाएं जिनसे उसे वंचित रखा जा रहा है। कोशिश करेंगे और सबसे आग्रह भी करेंगे नकवी साहब के सहित कि इन सवालों के ऊपर जिसका जिनका उन्होंने जिक्र किया है कि नहीं जा रहा है, वो अपने यहाँ भी चलाएंगे, और हम अपने यहाँ भी उनको आमंत्रित करेंगे कि इन सवालों के ऊपर जल्दी ही हम बातचीत का एक ऐसा सिलसिला शुरू करें ताकि इस देश के कम से कम उन लोगों को जो अपने दिमाग में नकवी साहब की तरह नई चीजें सीखना चाहते हैं, नई स्थितियों का विश्लेषण करना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं, जो आज के नौजवानों में भूख है, और वो भूख इन टीवी चैनल्स ने, माफ कीजिएगा नकवी साहब, आपने बहुत शुरू किया इसको, आप मुझे नहीं पता उसके पक्ष में कि नहीं पक्ष में है, लेकिन ज्यादातर लोग अब इसे एक मोकरी मानते हैं, और जो हो रहा है वो मनोरंजन के कॉमेडी सीरियल्स की तरह से ही लेते हैं, जिस तरीके से एंकर खड़ा होता है, देश जानना चाहता है, वो मारने के लिए पहुंच जाते हैं, वो गलत भाषा का इस्तेमाल, माँ बहन की भाषा को एंजॉय करते हैं, गाली देना, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और आपसे भी आग्रह करेंगे, आपके बहुत सारे शिष्य इस समय हैं जिनसे बातचीत हो, जाहिर है आप उनसे ये बात करते होंगे, पर इस बात को थोड़ा एग्रेसिवली, आपकी राय लोग मानते हैं, आपको देना चाहिए। कोई पत्रकार की जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, बदलाव के प्रति भी है, जिंदगी के प्रति भी है, मानवता के प्रति भी है। तो आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आए, और आपने, बावजूद इसके कि बीच में व्यवधान हुआ, और ये दूसरा हिस्सा आपका बहुत सही रहा, ये इंटरनेट पता नहीं कैसे ठीक हो गया आपके यहाँ, आपको धन्यवाद देते हैं, और दर्शकों आपसे ये अनुरोध करते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों को देखने में अपनी रुचि दिखाइए, अगर नहीं आप रुचि दिखाएंगे तो ये जिस पोर्शन में हम लोग हैं, जिस हिस्से में, इस डिजिटल चैनल वाले में, यहाँ पर भी वही मौकरी, वही भ्रष्ट, वही दिमाग को खराब करने वाली चीजें शुरू हो जाएंगी। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का स्वस्थ खाना खाना चाहते हैं या जहर भरा खाना खाना चाहते हैं, चुनाव आपके हाथ में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नकवी साहब आपको धन्यवाद, और ये प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं।